स्कॉलरशिप मतलब कोई कॉलेज, कोई एजुकेशनल बॉडी आपके हुनर को पहचान के आपके ड्रीम को फुलफिल करने में आपकी मदद करे। सोचे एक आम इंसान, लड़का या लड़की, अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर और काबिल बनना चाहता, उसके लिए मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब उनका सोशल स्टेटस उनके खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। ये स्कॉलरशिप उनकी जिंदगी बदल देती है। रति का भी यही सपना आज पूरा होने वाला था, लेकिन क्या उसकी जिंदगी बदलने वाली थी? हम देखेंगे ऐसी लड़की की कहानी जो हमारी आम सोसाइटी को कहने के लिए सिर्फ बिलोंग नहीं करती, और इसीलिए वो और उसकी कहानी कुछ खास है। सॉरी मिस्टर चावला, मैं आपकी क्लास इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। शो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आपके क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कॉलरशिप जीता है वो है रति। तू किस बात के लिए इतना नर्वस हो रही है? तेरा नाम तो पक्का होगा। आई होप यार, होप नहीं, मिलेगी तुझे। और स्कॉलरशिप के लिए पहला नाम है दक्ष राठौड़। और दूसरा नाम है अशोक परमार। और तीसरा और आखिरी नाम है रति कुमारी। थैंक यू मैम। जो भी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप जीता है वो अपने सर्टिफिकेट्स डीन की ऑफिस जाकर ले सकते हैं बिफोर 3। थैंक यू मिस्टर चावला। रति कांग्रेचुलेशंस, ये रहा तुम्हारा स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट, वेल डिजर्व्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हे रति, कांग्रेट्स यार। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स रति। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस मैडम, स्कॉलरशिप मिल गई, पर तुझे क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? क्या मतलब? मतलब तुझे यहाँ समझाऊं या कहीं और? अक्षत बेकार की बात मत करो, मेरा रास्ता छोड़ दे। तू यहाँ क्या कर रही है? और हम कब से तेरा क्लास में वेट कर रहे थे। थोड़ा चिल कर यार। लिसन, क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ इसका। अरे बदतमीजी थोड़ी ना यार, मैं तो बस इससे कुछ बातें कर रहा था, और हाथ पकड़ लिया तो क्या प्रॉब्लम है? लिसन, नहीं मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। रुक, सुन। अरे चल जा। चलो वरुण। अक्षत कितना बदतमीज लड़का है यार, लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। और आज तो इसने हद ही कर दी यार, हमारी फ्रेंड को छेड़ा। मन तो कर रहा था साले को एक पंच मार के वहीं सिखा दूंगी कैसे ट्रीट करते हैं लड़कियों को। फॉरगेट इट गाइस, मुझे अब कोई झगड़ा नहीं चाहिए। कम ऑन यार, लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड, कुछ और प्लान करते। प्लान सुनो, रति को स्कॉलरशिप मिली है तो पार्टी करना तो बनता है यार। यस पार्टी। हाँ, पार्टी डिनर करने जा रहे हैं। नहीं यार, और ट्रीट मेरी तरह से। नहीं नहीं देखो प्लीज, कम ऑन यार, इतनी भी बोरिंग मत बन। वैसे भी तू कभी हमारे साथ हैंग आउट नहीं करती और ना ही कभी घर ले जाती है। इतने भी बोरिंग लोग नहीं है हम लोग। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मुझे घर जाना है। अच्छा एक काम कर, डिनर नहीं तो कम से कम हमारे साथ कॉफी पीने तो चल सकती है ना। और हम जानते हैं तू लेट घर नहीं जा सकती, और हम लेट करेंगे भी नहीं। चल लेट्स गो। वाओ केक। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। ओके 2 मिनट में आई। वरुण थैंक यू सो मच, सच में बहुत मजा आया। रति, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।
आई रियली लाइक यू, और ये बात बहुत पहले बताना चाहता था मैं तुम्हें, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब क्या हुआ रहती, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? वरुण प्लीज, जो कभी हो नहीं सकता उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। से नखरे और बाहर काम शुरू कर दिया तूने। हमारा मक्खन इस्तेमाल बाहर हो रहा है। कहाँ गई थी बोल? मैं कॉलेज गई थी, वहीं देर हो गई। मैं कॉलेज गई थी। ये देख, इधर देख। यार तेरे को कुछ दिखता है लिखा हुआ क्या? क्या लिखा मेरे मक्खन? कुछ दिख रहा तुझे? क्या समझती है तू मुझे? क्या समझती है बोल? तेरी माँ का काम संभालता है मैं। तू खाली पढ़ने लिखने का काम करती है ना, ज्यादा उड़ने का नहीं। अगर उड़ी ना तुम्हें काट डालेगा। तो वैसे भी तेरे को अपनी माँ की तरह आज नहीं तो कल काम पे तो जाना ही पड़ेगा। डाले भेजे में ये बात, डाले अपने भेजे में, समझे? नहीं, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी मैं ये। तू भी ये भेजे में डाल ले अपने। जबान लड़ाती है मुझसे, जबान लड़ाती है। अभी देख कैसे मैं तेरी डील कराता है। तेरी माँ की तरह कल से तू भी काम पे जाएगी। हे सुनील, क्या कर रहे तू इधर? क्या कर रहे? कितनी बार मैं बोली तेरे से कि तू इससे ये सब बात नहीं करेगा। अरे मैं हूँ ना, कर रही हूँ ना तेरा बिजनेस, तो कमा के दे रही हूँ ना तुझे पैसा, तो तू क्या कर रही थी? धक्का नहीं देने का, चल निकल यहाँ से। यार निकल निकल। एक बात और सुन ले, क्या करेगी क्या नहीं ये मैं सोचेगी, तू नहीं। दसी से हाथ लगाया ना तो देख मैं क्या करती है। क्या करेगी? अरे तू जा, क्या करेगी बोलना, क्या करेगी? हट, मैं देखता है तुम दोनों को, तेरे को भी देखता है, समझी ना? हट। तू डर मत, हो ना, तू तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चल तक सुनील की बात को लेकर बैठी है। देख, मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं। क्या क्या है ये? मां,
ये तेरे विश्वास का नतीजा है। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ना स्कॉलरशिप मिली है। अब तुझे कॉलेज के लिए इतनी महंगी फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी, सब कुछ फ्री। सच रति, तू खूब मन लगा कर पढ़, अपने सारे सपने पूरा कर और जल्द से जल्द इस जगह से दूर चली जा। माँ, मैं अकेले क्यों जाऊंगी? तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहीं और जाके अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, इस सब से दूर। ये मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। क्या कंप्लेंट करेगी? कि तू कहां रहती है? कौन है तू और तू क्या करती है? और तेरी मां क्या करती है? अरे डीन को क्या, जाके पूरे कॉलेज को बता देना। हाँ गो। हाँ तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बस ये बेचारी होने का ढोंग अपने दोस्तों के सामने निभा, मेरे सामने नहीं। मैं सब जानता हूं कि रेड लाइट की कौन सी खोली में रहती है तू। और मैं ये भी जानता हूं कि तू दिन में कुछ और रात में कुछ और ही। अब सब कुछ तेरे हाथ में। तू एक काम कर, या तो तू जाकर सबको बता दे या तो तू मेरा मुंह चुप करा दे। देख पैसे बहुत है मेरे पास, जितना बोलेगी उतना दूंगा, ठीक है? सोच और हाँ जल्दी बताना। तेरे जैसे लड़की को ना बहुत कम ऑफिस मिलते। मिलता हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, हाँ?
क्या करें, चुप हो जा, बस कुछ कर दे। देख देख आ गई वो। गॉड हाउ चीप, कैसे कैसे लोगों को एडमिशन मिल जाता है। अरे हम तो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, डिस्काउंट तो बताती जा। अच्छा डिस्काउंट मत दे, सुन तो आज रात को फ्री है क्या? ये वही है ना, मेरे बारे में क्या ख्याल है रात रानी? एक ही रात में मैंने तुझे कॉलेज का स्टार बना दिया है। सब तेरी बारी बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया तुम्हारी। अरे थैंक यू के लिए कुछ तो कर। ये जो लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं वो सब झूठ है ना? मतलब ये सब सच है? तेरी मॉम, आई मीन रियली? सुरुचि, मैंने इसलिए नहीं बताया था, मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे मेरे बैकग्राउंड की वजह से जज करे। हो प्लीज, आई डोंट बिलीव दिस। मतलब इतने टाइम से मैं तुझ जैसी लड़की के साथ हैंग आउट कर रही थी। आई डोंट नो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तूने, हाउ डिस्गस्टिंग। सुरुचि, सुरुचि देख, मैं अब भी वही लड़की हूँ और इससे इससे मेरे बैकग्राउंड का क्या लेना देना यार? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तू तो समझ इस बात को। प्लीज डू, मुझे माफ कर और आज के बाद है ना ये दोस्त कहना बंद कर दे। जस्ट स्टे अवे। रति, ये लोग, हाँ ये लोग जो भी कह रहे हैं सब सच है और तुम भी मुझे वही कहने आए हो ना जो सुरुचि अभी बोल के गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। रोल नंबर 23, 24, 25 नंबर 26, नंबर 27। सॉरी मैम मैं लेट हो गई। एक मिनट रहती। यस मैम। आई थिंक तुम्हें पहले जाकर डीन से मिल लेना चाहिए, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते। रति, यह है तुम्हारा लिविंग सर्टिफिकेट। तुम आज के बाद इस कॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर सकती हो। सर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वजह बताने की कोई जरूरत है। दिस इज अ रेप्यूटेड कॉलेज रति, मैं और मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी बात पर कोई हम पर उंगली उठाए, समझे तुम? लेकिन सर इस तरह से आप मुझे मिड टर्म में निकाल देंगे तो सर मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए इस सब चीज का मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना है सर? Well, I don't want to argue. अभी तुम यहाँ से चली जाओ। सर देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। देखो सर इन सब मैंने सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो तुम कहीं और जाकर एडमिशन ले लो। सिर्फ एक साल तुम्हें रिपीट करना पड़ सकता है। और हाँ वो स्कॉलरशिप वो तो तुम भूल जाओ, वो अब नहीं हो सकता। तुम्हें गो नाउ। सर प्लीज
एक बार तो सोचिए, आप मेरी बात सुनिए। दिस इज द फाइनल डिसीजन। Striking the game, eat till long. लेकिन क्यों? हाँ, क्यों निकाल दिया? वो अक्षर, क्या हुआ रति? क्या किया उसने? हाँ बोल, क्या किया उसने? हाँ, अक्षर की वजह से। एक ही रात में मैंने तुम्हें कॉलेज का बड़ा स्टार बना दिया। सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। माँ, मैंने सबको समझाने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। सबने मुझे धक्का देके बाहर कर दिया, ना डीन ने ना प्रोफेसर ने, किसी को मेरा विश्वास ही नहीं हुआ। सबको यही लगता है कि मैं भी गलत हूँ। क्यों माँ, मैं ऐसे नसीब के साथ क्यों पैदा हुई? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी क्या गलती थी? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। काश मैं तेरी बेटी ही ना होती। सच कह रही है तू, पर तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। जिस गली में रहकर मैं तेरे बाप का नाम नहीं जानती, उसी गली में तेरा एक अलग वजूद बनाने चली थी। सोचा था तुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी और इस जिंदगी से बहुत दूर लेकर जाऊंगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकी, पर मैं हार गई। मैं हार गई। माँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अब मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, मेरा कोई सहारा नहीं था। जो मुझे खाना खिलाए, मुझे हौसला दे, इस गली में आई थी मैं और इसी गली की होकर रह गई। तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तो मैं हूं ना। तू कमजोर नहीं है किसी से, और ना ही तुझमें कुछ कमी है। तुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी रति। यहां तक लाने में मैंने लोगों से बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, पर आगे की लड़ाई तुझे अपने आप ही लड़नी होगी। हाँ देख, जो तुझे छलांग लगाने से रोक रहा है, तूने उड़ कर दिखा दे। तो सही कह रही है माँ,
मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नाज है तुझ पे। कुछ ना होते हुए भी तूने मुझे इस काबिल बनाया, तो देखना मैं अब ये लड़ाई लड़ूं। मैं हार नहीं मानू, मैं उन सबको हराऊंगी। तो देखना माँ, तेरी बेटी ये लड़ाई लड़ेगी। मेरी कजिन भी इसके बारे में पूछ रही थी। हमारे कॉलेज का मजाक बना के रख दिया इसने। इसको कोई भगाता क्यों नहीं? हाँ यार, कॉलेज के बाहर खड़ी इस लड़की और उसके कुछ साथियों ने अपने अधिकारों के लिए जो प्रदर्शन का तरीका अपनाया है, उससे कॉलेज प्रशासन की नींद कब टूटेगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। जरा सोचिए, हम क्या एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जो बातें तो करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, लेकिन किसी के पेरेंट्स की लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल चॉइसेस की बुनियाद पर बिना उनकी किसी गलती के उनके बच्चों को उसी नजरिया से देखते हैं। रति के माँ के प्रोफेशन का उसके एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कई बार लॉ मेकिंग अथॉरिटीज जैसे कि कॉलेज डीन और सोसाइटी जाने अनजाने किसी पर होने वाले ऐसे इनजस्टिस को सपोर्ट कर देती है, क्योंकि हमने सोसाइटी के कुछ नियम पहले से तय किए हों कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। जैसे कि रति के केस में, काश वही अथॉरिटीज और सोसाइटी रति के इस लड़ाई में उसका साथ देती, तो शायद आज उसे वोर नहीं करना पड़ता है जो वो करने वाली थी।
पैसा नहीं लेती है मैं, कौन समझाएगा? अरे कोई है इस कॉलेज में, हाँ कोई है इस कॉलेज में जो मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है हा? और ये कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? क्या कर क्या रही है तुम यहाँ पर? अरे सर क्यों, क्या बुराई है इसमें? हाँ और देखिए ना, आपने मुझे सेकंड ईयर में ही कमाने लायक बना दिया। तो फिर आपके कॉलेज को स्पेशल डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। क्यों निकल जाऊं? और निकलूंगी तो जाऊंगी कहाँ? फ्यूचर तो आपने मेरा खराब कर ही दिया, प्रेजेंट में जो कुछ है बस यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरी माँ जो करती है वो करती है, पर आज जो मुझे करना पड़ रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आप सब लोगों के बीच में बैठ सकूं, बात कर सकूं, पर कॉलेज का डीन होकर आपने क्या किया? हाँ मेरी माँ रेड लाइट एरिया में काम करती है, पर वो औरत ये उम्मीद रखती है कि उसकी बेटी आगे जाके अच्छी जिंदगी जिएगी। और मेरे टीचर, उन्होंने क्या किया जो मुझे अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते थे? उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों, मैं पूछती हूं क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक सेक्स वर्कर की बेटी हूं? मेरी लड़की, यहां सबको मालूम है कि तू कौन और कहां से आई है, समझी? तो अपना नाटक बंद कर और फूट ले यहां से। छोड़ मेरा हाथ। मेरे टीचर्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, और मेरे दोस्तों ने, मैं पूछती हूँ क्या फर्क है आप में और मुझ में? मेरे भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, पर नहीं, एक फर्क तो जरूर है, मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं, ना ही मैं कोई बड़े घर की बेटी हूं, जो है बस मेरी काबिलियत है। लेकिन आप सब लोगों ने मेरी काबिलियत को मार डाला। अरे मुझ पे उंगली उठाए ना आप लोगों ने, एक बार खुद को आईने में झांक कर तो देखिए, इतनी गंदगी, इतना मैल भरा है आप सब लोगों के दिमाग में। मेरी माँ जो काम करती है ना, उसकी वजह से ये अक्षत मेरे साथ जबरदस्ती करे, ये सब आप लोगों को मंजूर है, पर अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं तो वो नहीं। लड़की, यहाँ सबको मालूम कि तू कौन और कहां से आई है, समझी? तू अपना नाटक बंद कर और फूट ले यहाँ से। छोड़ मेरा हाथ। अब तो लगता है शरीफ लोगों की डेफिनेशन मुझे दोबारा सीखनी पड़ेगी। मैं रोई, बहुत रोई, मुझे लगा कि मैं हार गई, पर नहीं, मैं जीत गई। जिंदगी का सबक सीखा है मैंने, और मुझे खुद ये एहसास हुआ कि मैं खुद
छोटी सोच के लोगों के बीच में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। रति, आज पहली बार मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदा हुआ हूँ। उम्र में भले ही तुम मुझे छोटी हो, लेकिन तुमने सच ही कहा था, तुम्हारी सोच उससे भी ज्यादा छोटी है। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आज से, बल्कि अभी से मैं तुम्हें इस कॉलेज में दोबारा एडमिशन देता हूं। यू आर वेलकम टू आर कॉलेज। तुम हमारे कॉलेज की शान हो। मैं तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप फिर से देता हूं। रति, किसी के पास से प्रेजेंट नहीं बदलता, अगर बदलता है तो प्रेजेंट से फ्यूचर। राज, एक बार फिर से मैं सबके सामने तुमसे कहना चाहता हूं, तुम कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो जो इससे फर्क पड़ता है। रति, तुम एक बहुत ही जेन्युइन दोस्त हो और एक बहुत अच्छी लड़की हो। आई रियली लाइक यू। और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। I'm sorry, Rati. I'm sorry. Congratulations, you're selected. Thank you, sir. Rati, आपका joining letter कल मिल जाएगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. अरे कहाँ ले जा रही है मुझे? कुछ तो बोल। हाँ? एक step रहेगा, एक step. आंखें भी बंद कर रखी हैं। ये कहाँ आए हम लोग? हाँ, Rati. ये कहाँ लेकर आ गई है? किसका घर है ये? माँ, ये तेरा और मेरा हम दोनों का घर है। आज से हम दोनों इसी घर में रहेंगे। एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया है तो कंपनी ने मुझे ये फ्लैट गिफ्ट किया है। देख माँ, तूने आज तक मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, आज से तेरी ड्यूटी खत्म, अब मैं कमाऊंगी। तो खुश तो है ना माँ? बहुत खुश, बहुत खुश। रति ने जो कदम उठाया अपनी हार ना मानकर, डटकर अपना हक मांगने का, उसे मैं सलाम करता हूँ। गाइस, ऐसी कई रति जो आज भी अपना हक मिलने के इंतजार में है, हमें ऐसा सोसाइटी उनकी इस लड़ाई का साथ देना चाहिए। और ऐसी कई लड़कियां जो हमारी सोसाइटी में अपनी एक छोटी सी जगह बनाना चाहती हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें एनकरेज करना चाहिए। आइए, आज फिर एक बार हम आपसे मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जो अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। उनकी कहानी उन्हीं की सुबह। मेरा नाम रानी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई के रेड लाइट एरिया में मैं पली बड़ी हूँ। पापा के गुजरने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मम्मी ने सेक्स वर्क करना स्टार्ट किया था और पास ही स्कूल में एडमिशन भी दिलवाया। सब अच्छा चल रहा था, बट बाद में वहाँ के टीचर्स को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ की टीचर्स हमेशा कहती थी, तुम्हारा पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा, जो तुम्हारी माँ करती है वही तुम्हें करना है। पर मैंने इन बात पर कभी ध्यान नहीं दिया और तभी फैसला कर लिया कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है। तब मेरी मम्मी ने मुझे क्रांति एनजीओ में डाला। वहाँ के लोगों से मिलकर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे बचपन से डांस करने का बहुत शौक है
और क्रांति एनजीओ ने मुझे डांस के लिए मौका दिया और अमेरिका के डांस का स्कॉलरशिप दिलवाया। अमेरिका जाके मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, अकेले ट्रैवल किया और मैं अकेली लड़की थी जिसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था और वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ना आपका अधिकार है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप अमीर हो गरीब हो ये कोई मायने नहीं रखता और लड़कियाँ किसी से कम नहीं। इंसान की पहचान उसके काम से हो ना कि उसके नाम से, इसलिए मैं कहता हूँ चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज़ उठाइए।